काला पीपल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर ब्लॉक स्तरीय धरने का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर बरसते नजर आए। देश में तेजी से बढ़ती महंगाई ने जहां आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है, तो वहीं अब भाजपा सरकार विपक्ष कांग्रेस के निशाने पर आ गई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में पहले एक बार फिर कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर शाजापुर जिले के कालापीपर में विधायक कुणाल चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जहां महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भाजपा सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने प्रदेश सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताया। किसान के फसलों के दाम नहीं मिलते हैं, 70% किसानों की यह हालत है कि किसान के गेहूं बेचे एक एक डेढ़ महीने हो चुके हैं और किसान के खातों के अंदर पैसे आने का काम भी हो रहा है, तो किसान प्रताड़ित होके कहीं ना कहीं कर्जा लेने के ऊपर परेशान है। आज परिस्थितियां क्या है, कई किसानों के खाते में पैसा है तो सोसाइटियों ने अलग पैसे काट दिए, सोसाइटियों ने दोबारा भरवाने का काम अलग कर लिया, ये किसान परेशान है। अभी इन्होंने ये लेकर कहते हैं ना कि 1600 के हजार कैसे करे जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से लोग सीखे कि देश में जितनी चीजें बनी थी उनको पहले बेचने का काम किया। इस आरक्षण की स्थिति को, जो मध्य प्रदेश की स्थिति को ना तो ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ 16% SC है, इनको 15% आरक्षण है, 21% ST है, इनको 20% आरक्षण है, लगभग 54 से 56% OBC है, उससे सिर्फ 14% आरक्षण था जो माननीय अर्जुन सिंह जी दे के गए थे। कांग्रेस पार्टी आई, इन्होंने इसे बढ़ा के 27% करा, जनरल जो लगभग 13% है उनको भी कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण देने का काम करा, पर ये सरकार आई इसने उस आरक्षण को निरस्त करा, परिसीमन को निरस्त करा और पीछे से कैसे उस आरक्षण को कम करवाया जाए इसकी एक साजिश रची और कहीं ना कहीं ये चूक है और कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है कि जो 27% OBC को प्रतिनिधित्व मिलना था उसे इन्होंने 14% कराया और ये बिल्कुल वाकई बीजेपी की जीत है, क्योंकि बीजेपी पिछड़ा वर्ग विरोधी है और पिछड़ों के साथ जो अत्याचार करते हैं वो एक साजिश के तहत वापस इन्होंने अपने में सफल रहे, ये कहीं ना कहीं अत्याचार और अनाचार है कि 56% जनसंख्या को सिर्फ 14% आरक्षण मिलेगा, ये सिर्फ बीजेपी की देन है, ये कहीं भी वो स्थिति और परिस्थितियां ठीक नहीं है कि आप जाओ तो सिर्फ अनारक्षण मिले। में करंट आने लगा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पे धरना दिया गया और मूल मुद्दों पे कि महंगाई आम इंसान की कमर तोड़े जा रही है, पेट्रोल और डीजल देखने से डर लगने लगा है, लगातार हर आम व्यक्ति की थाली महंगी होती जा रही है, किसान प्रताड़ित है, परेशान है, उसके पैसे समय से सरकारें दे नहीं रही है, बिजली जब चाहिए होती है तब मिलती नहीं है और कहीं ना कहीं जो बिजली के बिल है वो 10-10 गुना चालू हो चुके हैं। तो स्पष्ट है कांग्रेस का कहना है कि हम सड़कों पे आ चुके हैं और सड़कों पे आके मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं कि ये सरकार सुधर जाए, नहीं तो कि इसको ठीक करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, काला पीपल।